नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी YouTube चैनल स्टडीटेक अकेडमी में। आज हम आपको भारत की खोज के शब्दार्थ कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सहचर, सहचर का अर्थ होता है साथ चलने या रहने वाला, साथी, अनुचर या सेवक। नेक्स्ट है दुर्भिसंधि, इसका अर्थ है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा या कुचक्र। गेटे, विश्व विख्यात जर्मन कवि हैं ये थे और उपन्यासकार भी बोल सकते हैं इनको, नाटककार, दार्शनिक, एफ कोटितज्ञ। नेक्स्ट है अभिभूत, इसका अर्थ होता है वश में किया हुआ, आक्रांत, पीड़ित या पराजित। यंत्रणा, यातना, पीड़ा या कलेश। नेक्स्ट है हारित अंगेज, इसका अर्थ होता है विस्मयजनक और इंग्लिश में एस्टॉनिश्ड। दंत कथा, किंवदंती, जनश्रुति। मिथक, प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे। नेक्स्ट है भग्नावशेष, अवशेष, खंडहर और भित्ति चित्र, दीवार पर बना हुआ चित्र यानी तस्वीर। और इसके बाद है अभिलिखित, लिखा या गोदा हुआ या नियमित। और अब इसके आगे और करेंगे। अब इसके बाद है सामंजस्य, इसका अर्थ है संगति, अनुकूलता, विषमता ना होना या मेल। शाश्वत, नित्य, निरंतर, सतत, स्थायी। निरंतरता का अर्थ होता है लगातार, बारंबार, सर्वदा। विलक्षणता, इसका अर्थ है अलौकिक, असाधारण, भिन्न चिन्हों वाला, जिसमें कोई विशेष लक्षण ना हो, वह अवस्था जिसका कोई कारण ना हो। नेक्स्ट है सार्थक, अर्थपूर्ण, उपयोगी, लाभदायक या महत्वपूर्ण। अनिष्टकर, इसका अर्थ होता है हानिकारक। पूरा गाथा, प्राचीन प्रशंसा गीत या कथाएं। सीमांत, सीमावर्ती स्थान। और नेक्स्ट है मानकीकरण, किसी वस्तु के उत्पादन, निर्माण आदि का ऐसा रूप स्थिर करना जिससे उसकी अच्छाई या शुद्धता आदि के संबंध में संदेह की जगह ना रह जाए। और नेक्स्ट है अवयव, इसका अर्थ होता है शरीर या शरीर का कोई भाग, जैसे कि हाथ पांव आदि अंग। और अब इसके नेक्स्ट है, इसके नेक्स्ट अब हम आगे पढ़ेंगे कबीले। कबीले का अर्थ है कुल, वंश या जंगली आदमियों का व्यक्ति विशेष को नेता या सरदार मानने वाला समूह, जो जिन्हें कहते हैं कबीले। नेक्स्ट है मैक्स मूलर, जर्मनी में जन्मे प्राच्यविदा विशेषज्ञ, जिसने प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुवाद संपादन का कार्य किया, वो थे मैक्स मूलर। नेक्स्ट है हर्षोन्माद, हर्ष में सुध-बुध खो देना। नेक्स्ट भौतिकवाद, भौतिकवाद मीन्स मैटेरियलिज्म, पंचभूत निर्मित, यह संसार ही सत्य है, यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला मत। अवेस्ता, अवेस्ता एक फारसी भाषा का से लिया गया इसका अर्थ है, जिसका अर्थ इससे ये ड्राइव्ड है फारसी भाषा से, जिसका अर्थ होता है प्रार्थना। अवेस्ता जरथुस्ट धर्म की प्राथमिक रचना है। नेक्स्ट है ब्राह्मी, वह प्राचीन लिपि जिससे देवनागरी और अन्य आधुनिक भारतीय लिपियों की उत्पत्ति हुई और इससे भारतीय लिपियां बनी। और इसके बाद अब आगे बस कुछ और हैं, और एक पार्ट इसका और हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप वो भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है युइचियो, युइची मध्य एशिया के हरित मैदानों में खानाबदोश लोग थे, जो चीन के पड़ोस में रहते थे। भारत में शासन करने वाले कुषाण युइचियों के ही एक कुल से संबंधित थे। नेक्स्ट है जारथुस्त धर्म, इसे पारसी धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ईरान में अद्भुत इस धर्म के पैगंबर जारथुस्त थे। और नेक्स्ट है गोबी रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है जावा और बाली, जावा और बाली इंडोनेशिया के द्वीप हैं। जावा में प्राचीन काल से ही हिंदू राज्य था और
बाली भी हिंदू संस्कृति का केंद्र था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लर्न मोर प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। बाय एंड हैव अ नाइस डे।